क्या आज बड़े फैसले का दिन है। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है। थोड़ी देर बाद कोरोना पर प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक होने वाली है, सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। बैठक में कई बड़े फैसले संभव हैं, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोविड नीतियों को लेकर, कोविड गाइडलाइंस को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो ये इस बैठक पर सबकी नजर है। आज संसद भवन में भी सभी नेता मास्क पहने हुए नजर आए, प्रधानमंत्री खुद भी मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। चीन में कहर ढाने वाले कोरोना वेरिएंट की भारत में पुष्टि हो गई है। BF7 नाम का वो वेरिएंट जिसने चीन में तबाही मचा कर रखी है, वो भारत में भी पहुंच चुका है। आज वडोदरा में BF7 वेरिएंट का चौथा केस मिला है। एक NRI महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि सितंबर से अब तक 4 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, यानी भारत में कोरोना एक बार फिर खतरे का सायरन बजाने लगा है और अब जरूरत है सावधान रहने। तो चीन में कोरोना को लेकर इस वक्त जो डरावना मंजर है, उस पर भारत तक खतरे का सायरन बज रहा है। केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है, मंथन शुरू हो चुका है।